वाह भाई, इतनी मेहनत हो रही है। मैंने सोचा तुम कब से पढ़ाई कर रही हो, तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। मैंने कहा था ना, मेरे लिए कुछ मत बनाना। मुझे किसी के किए काम पसंद नहीं आते। ऐसे क्यों कह रही हो? हमने साथ में इतना अच्छा वक्त गुजारा है, अच्छे दोस्त रह चुके हैं हम। दोस्त थे, अच्छा वक्त गुजर गया। अब तुम मेरी भाभी हो। तुम्हें इस बात का दुख है कि मैं तुम्हारी भाभी बन गई हूं? नहीं तो, दुख तो नहीं है? मेरे भाई ने किसी ना किसी से तो शादी करनी थी, तुमसे कर ली। किसी ना किसी से मतलब मेरी और कोई अहमियत नहीं? तुम चाय यहां छोड़ दो और जाओ, मुझे पढ़ने दो। मैंने सोचा कि पहले की तरह हम दोनों साथ में बैठकर चाय पीते हैं और गप्पे लगाते हैं, पढ़ाई तुम बाद में कर लेना। यार असरा, जो लड़कियां गप्पे लगाती हैं ना, वो सिर्फ किसी की बीवियां ही बन सकती हैं, और कुछ नहीं बन सकती। तुम तो जानती हो, पढ़ना लिखना, नाम बनाना, ये इतना आसान नहीं है। और मुझे अपने भाई की तरह एक कामयाब जिंदगी चाहिए, तो मैं तुम्हारे साथ गप्पे नहीं लगा सकती। आई एम सॉरी। लड़कियां तो घर बसाने के लिए अपना दिल काट कर ससुराल की दहलीज में ही कहीं दफन कर देती हैं।